तो सुबह सुबह मेरा हाल मैं अपनी छोटी बेटी को स्कूल दे के आई हूँ और जब मैं उसको लाने जाऊँगी तब एक बार मैं राशन ले कर चली आऊँगी, तो बार बार जाने का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ राशन दुकान में ये एक सिस्टम मुझे बहुत ख़राब लगती है कि ठीक है आप खुद का लाइन लगा के रखो, आप किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ले रहे हो कि हाँ मेरे मुझे किसी ने दो जन या तीन जन बोला है कि हाँ ये मतलब कि मेरे लिए लाइन रखना। इससे क्या होता है, जो पीछे वाले लोग होते हैं उसका तो और टाइम होता है, लेट होता है। जब काउंटर के सामने जब आप आ जाते हैं तो उसको कॉल लगाते हैं कि हाँ जिसने बोल के रखा है कि मेरे लिए लाइन लगा के रखो, तो वो ठीक टाइम से चल आता है, उसको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और हम लोग जो इतना देर से धूप में खड़े रहते हैं, हम लोग तो एकदम बुड़बक की तरह खड़े ही रहते हैं, हम लोग का लेट से लेट ही होता है, यही सब लेके यहाँ पे इतना चिल्ला चिल्ली झगड़ा हो रहा है। लेकिन कौन किसका सुने भैया, सब अपना अपना में है। इसी वजह से आज थोड़ा मेरा लेट भी हो गया है, तो आज मैं लंच हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं करूंगी, तो यही डिश बना रही हूँ। और सबसे बेस्ट लगा पालक की सब्ज़ी, चावल और ऑमलेट कर दूंगी, ऑमलेट तो वैसे भी सबको पसंद है, और दाल। वैसे मसाला उसाला है ये सब पीसने में या वैसे तो मिक्सी है वो तो तुरंत में हो जाएगा, लेकिन जो मसाला वाला आइटम रहता है ना वो सब पकाने में तो टाइम लगता है। और दाल भात और कोई भी सब्ज़ी हो अगर वो बिना मसाले का हो तो उसको मसाला भुनने में टाइम नहीं लगता है, झटपट हो भी जाता है।
तो इसीलिए वैसे मुझे मसाला वसाला वो तो मिक्सी है तो ग्राइंड करने में को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो टाइम तो लगता ही है। तो वही जल्दी जल्दी मैं कुकिंग भी कर रही हूँ क्योंकि मेरा आते आते कम से कम 1 बज गया था, और जैसे भी करके हो अब क्या करें, कोई तो रास्ता भी तो नहीं है ना, कि मैं तो अब किसी को बोल भी नहीं सकती कि हाँ मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। कल गए थे स्कूल तो ये लेकर आए, जैसे कि डायरेक्ट हम स्लैब के ऊपर रख देते हैं ना, तवा या कढ़ाई जो भी हो, तो एक तो है उसमें तो मैं कुछ भी वो छोटा बर्तन वगैरह है वो मैं चूल्हे में चढ़ाती हूँ, तो छोटा ऐसा लगता ही है क्योंकि उसमें फिर बर्नर के ऊपर ये हो जाता है तो गैस जल नहीं पाती, मतलब बर्नर जल नहीं पाता। तो ये मैं जो लाई हूँ इसको मैं यूज़ करूँगी नहीं वो चूल्हे पे, इसको मैं अलग से रखूँगी साफ़ सुथरा, और इसमें जो भी गर्म चीज़ रहेगा इसमें रखूँगी। तो इसका 60 रुपया लिया है, ये ठीक है ना, 70 बोल रहा था तो मैंने बोला इसको 60 में लीजिए। मेरी तबीयत अच्छा भी नहीं लग रहा कुछ भी। एक तो हवा चल रही है, सर्दी भी लगा हुआ है, आँख से भी पानी गिर रहा है, नाक भी जलन हो रही है। देखना ही है मजबूरी, और क्या बोल सकते हैं। और अभी मैं देखिए ये स्पेशल अंडा बना रही है, मेरे लिए बना रही हूँ क्योंकि टमाटर अदरक ये सब देखे कोई खाता नहीं है, पसंद भी नहीं करता, लेकिन हम तो पसंद करते हैं ना, तो हम अपना पसंद का ही बना रहे हैं। और एक बार हाँ, आप लोग जब भी ऑमलेट करिएगा तो कम से कम जो अदरक होता है उसको अच्छे से बारीक कट के अगर आप डाल के ऑमलेट बनाइए और खाइए, बहुत टेस्ट लगेगा। आप एक बार ट्राई भी कीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा।
उसको लेके सोते हैं, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है। ये मेरा पागल। तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो एक पागल हूँ। मैं भी तो हूँ ना। कितना जलन होता है इसको। ठीक है, तुम अभी वीडियो ना देख रही हो, तुम अपने वीडियो देखो ना बाबा। इसको कितना जलन होता है ना, एक पुतला को लेके इतना जलन होता है। हाँ ठीक है बेटा, तुम तो अभी वीडियो देख रही हो ना, देखो। ठीक है, इसको लेके कौन सुतेगा? ये तुम्हारा है, पापा लाया। ये देखा, ये तुम्हारा है, पापा लाया, और ये मेरे लिए। ये? तो इसका नाम है पागल, और इस पागल को लेके मैं सोती हूँ और मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। मैं इसको लेके ही सोती हूँ। वो लाए थे छोटी के लिए लाए थे, और मेरे मतलब कि दो लाए थे, तो मुझे ये बहुत पसंद आया। तो दो को लेके तो छोटी सो नहीं सकती है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं इसको लेके आराम से ऐसे सर रखती हूँ और ऐसे सो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है।